स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है आज की मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम जानेंगे आज की बड़ी और ताजा खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। हल्द्वानी वन विभाग द्वारा बागजाला गौलापार के ग्रामीणों को नोटिस दिए जाने के खिलाफ अखिल भारतीय किसान महासभा आज यानी 24 नवंबर को किसान पंचायत करेगी। बता दें कि जिलाध्यक्ष भुवन जोशी ने बताया कि बागजाला में होने वाली पंचायत में संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। मुरैना में प्रांतीय निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की संभागीय बैठक का आयोजन आज यानी 24 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 3 सत्रों में होगा। बता दें कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर में होने वाली बैठक में संभाग प्रभारी प्रांतीय पदाधिकारी शामिल होंगे। टेस्ट और वनडे में भारत के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा आज यानी 24 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। बता दें कि वो पर्थ में टीम से जुड़ेंगे लेकिन टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वो दूसरे टेस्ट मैच से टीम की कप्तानी संभालेंगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 01481/01482 पुणे दानापुर पुणे विशेष गाड़ी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। बता दें गाड़ी पुणे से आज यानी 24 नवंबर से 23 दिसंबर तक 30 फेरे लगाएगी। कोटा में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर की अध्यक्षता में कोटा बूंदी जिले के विद्युत निगम के जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आज यानी 24 नवंबर को दोपहर बाद 3 बजे इरेक्टर हॉस्टल थर्मल कॉलोनी में होगी। अलवर में जिला कबड्डी संघ की ओर से 2 दिवसीय जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन आज यानी 24 और 25 नवंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। बता दें कि संघ के सचिव तरुण सैनी ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए आयोजन अध्यक्ष अवतार सिंह व सचिव विजय सिंह यादव को बनाया गया है। कोटा में महावीर नगर द्वितीय उत्कर्ष होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर पर आज यानी 24 नवंबर को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक निशुल्क चिकित्सा शिविर लगेगा। बता दें कि शिविर संयोजक कपिल मणि ने बताया कि डॉक्टर उदय मणि सेवाएं देंगे। शिविर में सोरायसिस, गंजापन, त्वचा रोगों, अस्थमा जैसी बीमारियों का इलाज होगा। सीहोर जिला मुख्यालय के आवासीय ग्राउंड भोपाल नाका पर जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता आज यानी 24 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक होगी। बता दें कि निंजा फ्यूशन मार्शल आर्ट एकेडमी के कोच दीपांशु दिसावरी ने बताया कि जिसमें बरखेड़ा हसन गर्ल्स हॉस्टल ड्रीम इंडिया स्कूल शामिल होंगे। गुना में विश्व गीता प्रतिष्ठानम स्वाध्याय मंडल गुना द्वारा प्रति आज यानी 24 नवंबर को शाम 4 बजे से अटल पार्क के पास बलवंत नगर में किया जाएगा। बता दें इसमें अध्याय 13 के 23वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक का स्वाध्याय किया जाएगा। राजस्थान में आज यानी 24 नवंबर को मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। वक्त हो चला है आज के इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1759 में आज ही के दिन इटली में विसुवियत पर्वत शिखर पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। साल 1881 में आज ही के दिन भारत के स्वाधीनता सेनानी तथा राजनेता छोटू राम का जन्म हुआ था। साल 1871 में आज ही के दिन नेशनल राइफल एसोसिएशन का गठन हुआ था। साल 1966 में आज ही के दिन कांगो की राजधानी किन्शासा में पहला टीवी स्टेशन खुला था। साल 2003 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों की मशहूर कॉमेडियन उमा देवी खत्री का निधन हुआ था। फिलहाल के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।